नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। पहली बार बिहार में छात्रों की लड़ाई में ओवैसी की पार्टी भी कूद पड़ी है। दरअसल छात्र मीम भी पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ चुनाव लड़ रहा है। छात्र संघ चुनाव में छात्र मीम ने भीम आर्मी के साथ गठबंधन किया है। दोनों दल मिलकर छात्र संघ का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दोनों दलों ने यह तय किया है कि अध्यक्ष पद छात्र मीम लड़ेगी, जबकि 3 सीटों पर भीम आर्मी अपनी किस्मत आजमाएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ, और मेरा बुनियादी मसला ये है, चीज़ों पर हम इलेक्शन में खड़े हुए हैं, वो ये चीज़ है कि लड़कियों के लिए सिक्योरिटी की इंतजाम किए जाएँ, उनके लिए CCTV कैमरा लगाया जाए, उनके लिए सिक्योरिटी किया जाए, उनके सेंट्रल लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी को सेंट्रल लाइब्रेरी बनाया जाए, उसका दर्जा दिया जाए उसको, और लेडीज़ टॉयलेट वगैरह और हॉस्टल में मेज की सुविधा दी जाए, और हॉस्टल के लिए और बिल्डिंगों को ज़्यादा बनाया जाए, उनके और दायरे बनाए जाए, और फुल्ली वाईफाई कैंपस बनाया जाए। जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं वो तमाम मुद्दे जो हैं अलग अलग जो दल कैंडिडेट हैं उनका भी मुद्दा यही है, आप क्या अलग करेंगे इसमें? अलग अलग दल के जो लोग हैं उन सबको मौका दे दिया गया है, वो सब उनको मौका मिल चुका है, वो केंद्र में भी रह चुके हैं, राज्य में भी रह चुके हैं, यूनिवर्सिटी में भी रह चुके हैं, और नतीजा आपके सामने है। इस बार पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ चुनाव कई मायनों में रोचक होने जा रहा है। पहली बार दलितों की पार्टी का गठजोड़ मुस्लिमों की पार्टी से हो रहा है, ऐसे में यह गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में दिख रहा है। तो दलित और मुस्लिम मिल करके उन फिरका परस्तों को हम लोग हराने की कोशिश करेंगे जो मुल्क के फिजा को और ये यूनिवर्सिटी की जो फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करना चाह रहे हैं, उसको लेकर के हमारी पार्टी के आदिल उडगर साहब ने मशवरा दिया और ये बात चल रही है, और कल हम लोग नॉमिनेशन करेंगे, और हमको लगता है कि लोगों की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है और हमारी पार्टी जरूर जीतेगी, और जो हमारी मांग है, जो मुख्य मुद्दा है हमारा, उस पर हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह, और हमारी पार्टी जीतेगी और आइंदा भी हम स्टूडेंट के लिए काम करते रहेंगे। बहरहाल छात्र संघ चुनाव में भीम आर्मी और छात्र मीम के आने के बाद समीकरण बदलता दिख रहा है। अब ये गठबंधन चुनाव में कितना काम करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पटना से लाइव सिटीज के लिए दिव्यांशु की रिपोर्ट।